प्यारे बच्चों, क्लास सिक्स की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7, जीवों में अनुकूलन। तो जीवों में अनुकूलन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सजीवों का वास स्थान कहाँ कहाँ है, जलीय जीव किन्हें कहेंगे, स्थलीय जीव किन्हें कहेंगे, मरुस्थलीय जीवों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही उभयचर जो है वो किन्हें कहा जाएगा, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। बच्चों, सजीवों में अनुकूलन को हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो बात ये है बच्चों कि अनुकूलन क्या है। सबसे पहले हम ये भी तो जानें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो आकृति, आकार, रूप, रंग और संरचना और आवास संबंधी लक्षणों में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा। साथ ही बच्चों, हम लोग जलीय अनुकूलन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जलीय जंतुओं में किस प्रकार से अनुकूलन होता है और जलीय जो पौधे हैं उसमें किस तरीके से अनुकूलन के कारण क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है स्थलीय अनुकूलन के बारे में। स्थलीय जंतु कौन कौन से होते हैं, जो स्थल में रहते हैं। स्थल से क्या तात्पर्य हुआ, जमीन। ठीक है, तो जमीन में जो रहने वाले जंतु हैं उनमें किस तरीके से अनुकूलन होता है। तो स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, भेड़, शेर, बकरी, गाय, ये सब जो है वो स्थलीय हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। स्थलीय पौधे भी होते हैं जैसे कि नीम, आम, अमरूद, महुआ, बबूल, यानी जो हमें ज़मीन में लगे हुए दिखते हैं वो सारे क्या हैं, स्थलीय हैं। तो स्थलीय जंतुओं, तो जो स्थलीय जंतु होते हैं बच्चों, उसमें प्रचलन के लिए जो है कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और उनमें सांस लेने के लिए जो है वो जो श्वसन तंत्र होता है वो विकसित होता है, उनका श्वसन तंत्र। और जो पेड़ पौधे हैं, स्थलीय वृक्ष हैं, जैसे नीम, आम, बबूल हो गया ना, वो ये सब जो है वो क्या है, स्थलीय वृक्ष हैं। तो अगर इनको अधिक पानी मिलेगा, अधिक पानी में रहेंगे ये, तो ये क्या होंगे, सूख जाएंगे। ये जो वृक्ष हैं बच्चों, इनका तना कैसा होता है, मजबूत होता है और पत्तियाँ कीली होती है और चौड़ी होती हैं, ये इसमें अनुकूलन होता है। इनमें रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी छिद्रों के माध्यम से गैस जो है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो ये इनका जड़ तंत्र होता है, यानी इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत विकसित होती हैं, अंदर तक गहरी जमीन में रहती हैं। और बच्चों, मरुस्थल में जो रहने वाले जंतु हैं उनको विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी। अब मरुस्थल है तो वहाँ तो पानी है नहीं, धूप भी वहाँ तेज़ होती है और वहाँ पर बालू पाई जाती है जो कि गर्म होती है। तो इन सब जो है विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों के समाधान के लिए जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनमें जल संचय करने की प्रवृत्ति होती है, उनकी त्वचा जो रहती है वो खुरदरी होती है, अधिक बाल होते हैं उसमें, पैर कैसे होते हैं बच्चों, लंबे होते हैं और गद्देदार होते हैं तलवे इनके। रेगिस्तान में दौड़ने के लिए जो है वो अनुकूलित होते हैं इनके तलवे, और क्योंकि लंबे पाँव होंगे और गद्देदार तलवे होंगे तो वो रेगिस्तान में जो है चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इसके लिए उनमें अनुकूलन होता है। जैसे ऊँट हो गया, ऊँट को देखा है आपने, उसकी बनावट देखिए, आपको समझ में आएगा उसकी टांगें कैसी होती है, लंबी होती है, उनके पाँव के जो नीचे जो होते हैं वो गद्देदार तलवे होते हैं उसके। तो इसी प्रकार से मरुस्थल में उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनको भी वहाँ पर पानी कम मिलेगा, सूर्य का तेज प्रकाश मिलेगा और जो टेम्परेचर दिन का रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो उनके लिए जो है जो ये विशेष परिस्थितियाँ होती हैं बच्चों, तो उनको सहने के लिए जो है उस पौधे में विशेष चीज़ें जो हैं विकसित होती हैं। ये बच्चों, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, उसमें कुछ अनुकूलन पाया जाता है। जैसे आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, इसमें मरुस्थलीय पादप यानी पौधे दिए गए। नागफनी का पेड़, ये मरुस्थलीय होता है। घीक्वार का पेड़, सतावर का पेड़, भड़भंडा का पेड़, ये सब जो हैं वो कैसे हैं, ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना। तो इनका जो तना होता है बच्चों वो मांसल होता है, चपटा होता है, हरा एवं स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ जल का भी संचय करने का कार्य करता है। जैसे नागफनी वगैरह का पेड़, उसका आपने देखा है, ये जो आपको दिख रहा होगा इसका जो तना ये मोटा मोटा सा होता है, ये देख रहे हैं, पत्तियों की जगह यहाँ पर क्या निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं। तो यानी कि पत्तियाँ उसमें जो हैं वो कम पाई जाती हैं, नहीं होती हैं, ना के बराबर होती हैं या कांटों के रूप में हुए उस तरीके से होती हैं, बल्कि उसका तना जो रहता है वो जो स्पंजी होता है और मांसल होता है वो चपटा हरा हो जाता है, जहाँ पर इसी में यहाँ पे भोजन और पानी का संचय होता है। नागफनी का पौधा हो गया। जैसे जड़ तंत्र जो होता है बच्चों अत्यधिक फैला हुआ होता है और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। अब चूंकि पानी वहाँ पे कम है तो जो उसका जो जड़ होगी वो अधिक जो है फैली हुई होगी और
अंदर जमीन तक गहराई में होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है कम हो कि पानी जो है पेड़ का कम उड़ के जाए, तो इसके लिए पत्तियां जो होती हैं मांसल या कांटों या सलकों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे नागफनी हो गया, घीकुआर हो गया, सतावर हो गया, बड़भंडा हो गया, तो इन सब की पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कांटों या सलकों के रूप में पाई जाती हैं। जो पत्तियाँ होती हैं बच्चों उसमें रंध्र जो होते हैं वो गड्ढों में धंसे रहते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो, जैसे कनेर हो गया। और कीट और पक्षी जो होते हैं बच्चों वो हवा में उड़ते हैं। इन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं। तो जो कीट और पक्षी होते हैं, जो हवा में रहने वाले पक्षी हैं, उनमें किस तरीके का अनुकूलन पाया जाता है, तो इसके लिए हम अध्ययन करेंगे वायवीय अनुकूलन का। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हम लोगों ने स्थलीय अनुकूलन पढ़ा कि स्थल वाले जो जंतु हैं या पौधे हैं उनमें किस तरीके का अनुकूलन होता है स्थल के प्रति, और अब हम पढ़ेंगे वायवीय अनुकूलन। तो बहुत सारे बच्चों कीट और पक्षी होते हैं जो कि हवा में उड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा ना उड़ते हुए। तो इन जंतुओं में उड़ने के लिए शरीर में अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं। कौन कौन से अनुकूलन होंगे, तो ये बच्चों ये जो उड़ते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, ये उड़ने के पूर्व जो है वो शरीर को क्या करते हैं, फुला करके पंख फैला देते हैं, और ये निश्चित दिशा में ऊपर दाएं बाएं जो है वो उड़ान भरते रहते हैं। इस प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया होती रहती है। और अब चलिए बात चर्चा करते हैं कि इनके शरीर में उड़ने के लिए किस प्रकार से अनुकूलन होता है। तो जो कीट होते हैं उसमें किस तरीके से अनुकूलन होता है, पक्षियों में उड़ने के लिए किस तरीके से अनुकूलन होता है, इसकी अलग अलग चर्चा हम करेंगे। कीटों में उड़ने के लिए अनुकूलन, तो बच्चों कीटों में उड़ने के लिए कैसे अनुकूलन होता है, तो कीटों को ध्यान से देखिए इनका शरीर कैसा होता है, छोटा होता है, और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में कैसा होता है, हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा क्या होती है, भरती जाती है और निकलती भी है। तो शरीर में क्या होते हैं, श्वास रंध्र होते हैं, पंख जो होते हैं उनको वो फैला लेते हैं, हल्के होते हैं, और अकशेरुकी जंतु यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनकी तुलना में भी ये हल्के होते हैं। कीट जो होते हैं उसमें इनके में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती लेकिन ये उनसे भी हल्के होते हैं। और इनका शरीर क्या होता है, बहुत हल्का हो जाता है, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, घरेलू मक्खी हो गई, देखा है आपने इसको, तो ये उड़ने में इनके लिए ऐसा अनुकूलन दिया गया है कि इनके दो पंख होंगे, इनका शरीर हल्का होगा, है ना, और जो श्वास रंध्र होते हैं जिससे जो है शरीर में हवा भर जाती है, तो हवा भर गए तो और हल्का हो जाता है, तो इसके कारण से वो उड़ने में सहायक होता है। तो इस तरीके से कीट उड़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पक्षियों में उड़ने के लिए क्या अनुकूलन होता है। बच्चों पक्षियों में का जो शरीर होता है वो वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है, तो इसके कारण वो उनका शरीर पर, आप कभी संरचना पर उनको ध्यान दीजिए, जो पक्षी उड़ते हैं तो इनका जो शरीर का आकार होगा वो नौकाकार तथा धारा रेखित होता है, यानी ऐसा होता है कि एक धारा में वो चल पाएँ। तो इनके जो अग्रपद ही पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जुड़ने में सहायक होते हैं। आगे के जो पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जोड़ने में सहायक होते हैं। इनकी अस्थियां, जो सबसे मेन बात ध्यान दीजिए बच्चों कि पक्षी उड़ते क्यों हैं, क्योंकि जो इनकी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो खोखली होती हैं और उसमें क्या भरी होती है, हवा भरी होती है, जिसके कारण इनका शरीर कैसा हो जाता है बच्चों, हवा इनकी हड्डियों पर भरी हुई है तो इनका शरीर कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है और जो उड़ते समय शरीर को हल्का कर देती है, जिसके कारण से पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो विशेष रूपांतरण होता है वो केवल पक्षियों में ही होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया, ये सब जो पक्षी हैं इनमें इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, हवा से भरी होती हैं, शरीर हल्का होता है, और फेफड़ों में जो है वो फेफड़े से जुड़े वायु कोश जो होते हैं उसमें हवा भर जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों कीटों और पक्षियों में उड़ने के लिए भी विशेष अनुकूलन होता है ना। आकार कैसा होता है, नौकाकार होता है, धारा रेखित होता है पक्षियों का, तो इस प्रकार से वो उड़ पाते हैं। और आगे के जो पैर होते हैं वही पंख में रूपांतरित हो जाते हैं, तो पंख बन जाते हैं जिसके कारण पंखों के कारण वो फैला लेते हैं उनको और उड़ने लगते हैं। तो बच्चों डायनासोर के बारे में आपने सुना है कभी, तो ये लाखों वर्ष पहले जो थे वो पृथ्वी पर थे, परंतु अब नहीं पाए जाते हैं, अब तो वो प्रजातियाँ विलुप्त ही हो गई हैं। तो कई जब उन प्रजातियों का विलुप्तीकरण हुआ और कई नई प्रजातियां आ भी गई हैं, तो विलुप्तीकरण एवं उद्भव की प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व है। अगर
उस पक्षी में उसके वातावरण के हिसाब से, और जो वातावरण उसके हिसाब से अगर वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुकूल अगर वो पक्षी या जंतु या पेड़ नहीं है तो वो क्या होगा बच्चों, विलुप्त हो जाएगा, यानी वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा और धीरे धीरे उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। और कुछ ऐसी भी प्रजातियाँ हो सकता है हो जाए या नया उनका उद्भव हो जाए जो 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 उस विशेष परिस्थिति के लिए जो है वो अनुकूलित हो। तो अनुकूलन अगर होगा तो वो चीज़ जो है चलती रहेगी, शरीर उसके अनुसार उसको ढाल लेगा, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। अगर अनुकूलन नहीं है वातावरण के प्रति तो क्या होगा, उसका विलुप्तीकरण होगा। तो बच्चों आज चैप्टर ये यहीं पर समाप्त हुआ जीवों में अनुकूलन। कल हम इसके भी अभ्यास प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतनी ही वीडियो क्लास, आज हम इस वीडियो क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।